IPL 2024 का आज मैच हुआ लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। तो इस मैच को राजस्थान रॉयल्स ने 20 रनों से जीतकर इस मैच में 2 पॉइंट निकाले। तो मैच खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में किसको अवार्ड दिया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों पहला अवार्ड जो आता है टाटा पंच स्ट्राइकर ऑफ द मैच, जो इस मैच में कम गेंद खेल के ज़्यादा रन बने, और दीपक हुड्डा जिन्होंने 13 गेंद में 26 रन बने, उनका स्ट्राइक रेट रहा 200 का। तो इसी वजह से उनको 1,00,000 रुपये साथ में ट्रॉफी दिया गया। माई 11 सर्कल ऑफ द मैच अवार्ड, जो इस मैच में सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कमाए हो रहा है संजू सैमसन, जिन्होंने टोटल 82 रन बनाए नाबाद और टोटल 100 फैंटेसी पॉइंट कमाए, उनको प्राइज मनी के थ्रू 1,00,000 रुपये और साथ ही में एक ट्रॉफी दिया गया माई 11 सर्कल के तरफ से। तो नेक्स्ट अवार्ड आता है सिक्सेस ऑफ द मैच का अवार्ड, जो इस मैच में सबसे ज़्यादा छक्के मारे हो रहे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन, जिन्होंने टोटल 4 छक्के मारे, उनको प्राइज मनी के थ्रू 1,00,000 रुपये साथ ही में एक ट्रॉफी दिया गया। तो नेक्स्ट अवार्ड आता है रुपये ऑन द गोफोर्स मैच का अवार्ड, जो इस मैच में सबसे ज़्यादा चौके मारे वो रहे निकोलस पुरान, जिन्होंने 64 रन बनाए, तो इसी वजह से उनको प्राइज मनी के थ्रू 1,00,000 रुपये साथ ही में रुपये ऑन द गोफोर्स का ट्रॉफी दिया गया। इस मैच में निकोलस पुरान ने 4 चौके मारे थे लेकिन आखिरकार मैच को नहीं जीता पाए। और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, मैन ऑफ द मैच इस मैच में जो हुआ वो रहे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन, जिन्होंने नाबाद 82 रनों की पारी खेली, उनको प्राइज मनी के थ्रू 1,00,000 रुपये साथ ही में एक ट्रॉफी दिया गया।